हमीरपुर के हमीर भवन में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बस संचालकों के साथ सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना व निगरानी के संदर्भ में बैठक आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बसों में ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या है और इसका सर्वमान्य हल निकालने के लिए सभी से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बस संचालकों के साथ सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना व निगरानी के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि बसों में ओवरलोडिंग एक सबसे बड़ी समस्या है और इसका सर्वमान्य हल निकालने के लिए सभी के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमीरपुर जिला में 355 लोकल रूट निजी बस संचालकों द्वारा तथा 123 लोकल रूट हिमाचल पथ परिवहन निगम दैनिक आधार पर संचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर जिला व अंतरराज्यीय रूट पर चलने वाली बसें भी यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इन सभी स्थानीय रूटों पर बसें नियमित रूप से चलाई जाएं और बसों द्वारा समय सारणी का अनुपालना किया जाए। इस बारे में आगामी 2 दिनों में प्रतिवेदना भी प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबह व सायंकाल में पीक आवर्स के दौरान ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए मुद्रिका बस सेवा, मैक्सी कैब, बस अड्डे पर अधिक देर तक रुकने वाली बसों के रूट कुछ परिधि तक बढ़ाने सहित नए रूट जारी करने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए निजी बस संचालकों व लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। साथ ही उपमंडल स्तरीय रूटों पर आवंटित समितियों से भी नए रूट्स के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। उपायुक्त ने आग्रह किया कि सभी निजी बस संचालक बसों की समय सारणी और निर्धारित रूट के संचालन में अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। बसों में इस बारे में चालक की ऊपर वाली खिड़की पर सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए। सभी संचालक सवारियों को टिकट अवश्य दें। बस संचालकों को सवारियों के उठाने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और सभी को समय सारणी का कड़ाई से अनुपालना करना चाहिए, जिससे काफी हद तक ओवरलोडिंग की समस्या भी कम हो सकती है। आज उपायुक्त हमीरपुर की अध्यक्षता में एक बैठक यहाँ हमीर भवन में आयोजित की गई। इसमें हमने सभी जिला के ट्रांसपोर्टर्स बुलाए हुए थे, इसके साथ जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और RMHRTC भी थे। ये निर्णय लिया गया कि किस तरह जो ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट किया जाए। नए बस रूट जो हैं वो भी हमने आज यहाँ पे जिस चर्चा में सजेशन आई, उन सारी सजेशन को नए रूट जहाँ पे सुबह के टाइम ओवरलोडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम है या जहाँ रश है तो नए रूट्स हम चलाएं या एग्जिस्टिंग रूट्स को भी एक्सटेंड करें। ये सारी प्रपोजल हम सरकार को भेज रहे हैं ताकि जनता को जो है बेहतर सुविधा हम उपलब्ध करवा पाए। मिसबिहेव चाहे ओवरलोडिंग के कारण है या अदरवाइज है, मिसबिहेव तो मिसबिहेव है। मिसबिहेव ओवरलोडिंग के साथ नहीं जोड़ा, मिसबिहेव तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर सवारी आ रही है अगर किसी वजह से वो उसको नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसको बड़े शालीनता के तरीके से उनको मना करें। अदरवाइज मिसबिहेव का तो कोई है ही नहीं, वो तो एक अपने आप में एक ऐसी अनएक्सेप्टेबल चीज है। बारे में मेरे पास रेगुलर कंप्लेंट्स आती रहती हैं, ऑपरेटर्स को बार बार चेताया भी जाता है। इवन जो कंडक्टर्स हैं अगर वो मिसबिहेव करते हैं उनको बुलाया भी जाता है ऑफिस में, उनको इस बारे में कई बार हम इंडिविजुअल के साथ जो उन्होंने की होती है मिसबिहेव किया होता है तो उनसे वो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो और उनसे माफी भी मनवाई जाए। और अगर वो ऐसा यूजली मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि दोबारा जो है ऐसा वो होता नहीं है, कभी किसी वजह से होता है, पर यूजली हम इस चीज को चेक करते रहते हैं। ओवरलोडिंग और जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट आने वाले टाइम में ना हो, पब्लिक को सुविधा मिले, इस विषय के ऊपर जो है वो माननीय डीसी साहब से कल मीटिंग थी जो सरकार के आदेश के अनुसार थी, क्योंकि सरकार शिमला में 3 तारीख को डीसी साहब की मीटिंग होने वाली ऑल हिमाचल के डीसी। इसी मतलब जो ओवरलोडिंग है, जैसे हमीरपुर किसी भी शहर के 4-5 किलोमीटर तक ओवरलोडिंग होती है, 5-6 किलोमीटर तक होती है, तो अब जैसे सरकार ने सेटिंग रखी है कि चलान करेंगे तो अब कॉलेज लगेंगे, बच्चे आएंगे तो एक्चुअली ना बिठाएं तो बच्चे लड़ाई भी करते हैं। इसी मुद्दे पे चला हुआ था सिस्टम, अब क्या है बाकी मतलब इसके सारी बात जो है वो बात हुई है और जो निर्णय है उनको हम मानेंगे और उसके साथ चलना पड़ेगा, चलेंगे इसी के साथ भी, चाहे पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, बस क्योंकि तो होनी ही नहीं चाहिए। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।